व्यवहार काल में जगत को सत्य मानना ही चाहिए, क्योंकि आहार विहार आदि समस्त लोक व्यवहार जगत को सत्य माने बिना नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान होने पर ही मिथ्या कह सकते हैं। उक्त विचार आज गुरुवार को अपराह्न संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल सचिव राकेश कुमार ने बागदेवी मंदिर में G20 यूथ सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित शास्त्रार्थ सभा में व्यक्त किया। कुल सचिव राकेश कुमार ने कहा कि आज G20 के माध्यम से शास्त्रार्थ परंपरा को रखने का यह अवसर निश्चित ही दुनिया को हमारे वेद शास्त्र और उसमें निहित ज्ञान को बताने का समुचित माध्यम है। वेदांत व्याकरण न्याय और वेद में निहित ज्ञान विषय पर शास्त्रार्थ के आयोजन से यह संस्था निश्चित ही चलती फिरती भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। शास्त्रार्थ के माध्यम से शास्त्रों को संरक्षित करने का एक माध्यम है। G20 के तहत एक हम लोग इसमें एक शास्त्रार्थ का आयोजन कर रहे हैं। तो जानते हैं आपकी वादे वादे ज्ञायते तत्व बोधा, तो वही है कि शास्त्रार्थ के माध्यम से हम जो हमारे तत्व हैं उनकी जानकारी आम जनता को, आम जनमानस को, हम दुनिया को कैसे दे सकते हैं। इसके लिए G20 में इस तत्व इस विषय को रखा गया कि हम पूरी दुनिया को यह बता सकें कि हमारा व्याकरण, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा वेदांत, हमारा न्याय दर्शन ये कैसे पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, तो उसके लिए इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी ने शास्त्रार्थ के विषय बताया कि प्राचीन भारत में दार्शनिक एवं धार्मिक वाद विवाद चर्चा या प्रश्नोत्तर को शास्त्रार्थ कहते थे। इसमें दो या अधिक व्यक्ति किसी गूढ़ विषय की असली अर्थ पर चर्चा करते थे। किसी विषय पर के संबंध में सत्य और असत्य के निर्णय हेतु परोपकार के लिए जो वाद विवाद होता है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। शास्त्रार्थ का शाब्दिक अर्थ तो शास्त्र का अर्थ है, वस्तुतः मूल ज्ञान को स्रोत शास्त्र ही होने से प्रत्येक विषय के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शास्त्र का ही आश्रय लेना होता है। अतः इस वाद विवाद को शास्त्रार्थ कहते हैं, जिसमें तर्क प्रमाण और युक्तियों के आश्रय से सत्य सत्य निर्णय होता है। प्रारंभ में मंगलाचरण एवं G20 के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम का संचालन संपूर्ण शास्त्रार्थ का संचालन डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी ने किया। शास्त्रार्थ हो रहा था। व्याकरण में जो शब्द का अर्थ है वो शब्द और अर्थ की संगति कैसे है, सब प्रातिपदिकार्थ माने शब्दार्थ कैसे उसका निरूपण करेंगे, उस पर विचार हो रहा था। अब इसके बाद न्याय पर वेदांत पर विचार हो रहा है कि यदि ये जगत असत है, मिथ्या भूत है, तो क्यों मिथ्या भूत है, हेतुओं के द्वारा, कारणों के द्वारा, उसका दृष्टांत के द्वारा उसका मिथ्यात्व तो सिद्ध करेंगे। इसके बाद न्याय है, तो न्याय में व्याप्ति स्वरूप है, तो व्याप्ति स्वरूप धूम को देख करके बन्ही का अनुमान क्यों होता है, कौन सा ऐसा संबंध है कि जो धूमक ज्ञान जो है बन्ही ज्ञान के जनक होता है, इस प्रकार से न्याय में भी विचार होगा। इस प्रकार से प्रत्येक विषय पर छात्र जो है तैयार करके शास्त्रार्थ करें।